नौकरियां मिली है उसमें भी आप देखें कि 70% नौकरियां जो है बाहरी लोगों को मिला है, उत्तर प्रदेश बंगाल के लोगों को मिला है, बिहार के लोगों को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर यह सरकार इस तरह से सीटों का बंदरवाट क्यों कर रही है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह इसलिए यह अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि झारखंड राज्य में 60-40 को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 60-40 का आंदोलन युवाओं के द्वारा आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने किया था इस मुद्दे पे कि हम लोग चाहते हैं कि 60 तो खतियानी का अधिकार ही है, 40 पे भी झारखंडी का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये सरकार ने 40% सीट को ओपन टू ऑल कर दिया था और आपको भी पता है कि हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में युवा आंदोलन किए थे और युवा के आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा था और सरकार का झुकाव बस इतना ही तक था बयानबाजी करके छोड़ देना। इसका यह परिणाम हुआ कि जब युवाओं ने आंदोलन किया, कईयों पे एफआईआर हुआ, कईयों पे लाठीचार्ज हुआ, कितनों को मारा गया, उसके बाद सदन में हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट आया कि 60-40 एक भ्रामक करने वाली स्थिति है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ये विपक्षियों द्वारा फैलाया गया प्रोपोगंडा है, इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है, नौकरियां जब होगी तो यहां के स्थानीय लोगों को ही मिलेगी और स्थानीय युवा को ही नौकरी मिलेगी, ऐसा हम लोगों ने प्रावधान किया है। लेकिन उस समय तो युवा का जोश था वो ठंडा हो गया, युवा का आंदोलन ठंडा हो गया कि चलो हेमंत सोरेन जी ने अपना एश्योरेंस दिया। लेकिन जैसे ही बहाली हुई और जैसे ही नगर विकास विभाग की या जेई की बहाली हुई, सरकार के उन वादों का पोल अपने आप ही खुल जाता है। आज आप देखिए कि 70% यदि बाहरी लोग आ रहे हैं और सरकार सदन के अंदर ये कहती है कि हम लोग स्थानीय को ही नौकरी देंगे तो दोनों में कितना विरोधाभास होता है। और ये सरकार ने सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी को अपना कमीशन हाउस बना दिया है। यह सरकार बस ये चाह रही है कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से उनके पार्टी का पैसा आया, बाकी युवाओं के हित की बात यह सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से जेएसएससी के एग्जाम में धांधली हुई और सरकार बैकफुट पे थी, सरकार ये मान भी रही है धांधली हुई लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये अपने में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां ली, ये बाहरी लोगों को बेचने का काम सरकार ने किया, ये सीट सारे के सारे सीट बेचा गया सरकार के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से, और यही कारण है कि हाई स्कोर करके बाहरी लोगों ने यहां पर अपना नौकरी लेने का काम किया। ये जांच का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि सीरियल वाइज इस सरकार की भी नियुक्तियों में जेपीएससी को छोड़ दिया जाए, जेपीएससी में आपको याद होगा कि सीरियल वाइज जो है सबका रिजल्ट प्रकाशित होकर सब उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, जेएसएससी में भी वैसा कमोवेश आया है, जो एग्जाम्स हो रही है एग्जाम्स में भी सीरियल वाइज लोग अभ्यर्थी पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह सारा का सारा एग्जाम रिग्ड है, सरकार ने एजेंसी के माध्यम से सारे सीटों को बेचा है, ये बाहरी लोगों को सीट बेचने का काम सरकार कर रही है और इसी का यह परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में तादाद में बाहरी लोग यहां पर पास कर जा रहे हैं और नौकरी ले पा रहे हैं। अब मैं सरकार से 2-3 सवाल कहना चाहता हूं कि सरकार ने आखिर कौन सी ऐसी खतियानी नीति बनाई कि बाहरियों का वर्चस्व ज्यादा हो गया। सरकार तो कह रही है कि 1932 लाएंगे, स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, थर्ड फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व करेंगे, लेकिन सरकार का जो कहना है और जो हो रहा है ग्राउंड में वो अलग है। तो मैं सरकार से सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगा, आखिर सरकार कौन सी ऐसी स्थानीय नीति और नियोजन नीति ला रही है जिसके माध्यम से बाहरी लोगों का ही वर्चस्व सरकारी नौकरियों में बढ़ता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही धांधली और सीटों के बंदरवाट को लेकर क्या कर रही है। क्या सरकार अपने मंत्रालय में या अपने पदाधिकारियों तक एसआईटी की जांच को ले जाएगी या फिर एजेंसीज को तक ही इसका सीमा दायरा को सीमित करके जांच को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले सत्र में भी ये मांग की थी कि इन सब चीजों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एजेंसीज ब्लैकलिस्टेड एजेंसी सरकार यहां पर एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, चाहे वो बिंसेस हो, चाहे वो आईसीएन हो, चाहे वो सतवत इंफोसोल हो, सारी की सारी कंपनियां ब्लैकलिस्टेड है, ब्लैकलिस्टेड कंपनियां सीटों को बेच रही है, बाहरी लोग इस सीटों को खरीद रहे हैं और उसके माध्यम से जितनी भी एग्जाम्स हो रही है उसमें बाहरी लोग हाई स्कोर कर अंदर आ रहे हैं। ये युवाओं के लिए सोचने का विषय है और खासकर झारखंडी युवाओं के लिए सोचने का विषय है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। और सरकार की स्टेटमेंट से भी ये परिलक्षित होता है कि सरकार की सोच क्या है। जो व्यक्ति
जेई के लिए जो व्यक्ति एसडीओ के लिए जो व्यक्ति इंजीनियर के लिए पढ़ाई करता है 10 10 10+2 पास करता है परिश्रम करता है लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन करता है और उसको ये सरकार कह रही है कि तुम बकरी पालो सुअर पालो मुर्गी पालो अंडे पालो तो इससे ही सरकार की मनोस्थिति को हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार कितना गंभीर है स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में रखा और मुझे एक याद सरकार का स्टेटमेंट हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट भी आ रहा है याद कि भगवान ना करे कि मेरे जो पहले ही बार उन्होंने कहा था सदन के अंदर भगवान ना करे मेरे ही परिवार से कोई जेपीएससी जेएसएससी क्लियर करे तो उसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार डे वन से राइट फ्रॉम डे वन नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवा खेती किसानी को छोड़कर सरकारी नौकरी आए क्योंकि जैसे ही युवा ज्यादा पढ़ लिख के कमाने लग जाएंगे तो उसके बाद सरकार से सवाल करने लग जाए सरकार नहीं चाहती है कि युवा यहाँ पे सरकार से सवाल करे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा।